आपने कहा था मेरी माँ को संभाल लेंगे, है ना? ये संभाला है आपने? पीछे पड़े हुए थे कि माँ को हॉस्पिटलाइज करवाऊं, एक दिन के लिए तो संभाल ही नहीं गई। खाक हॉस्पिटलाइज करवाता मैं। अपनी माँ को अगर कुछ हो गया ना तो याद रखिएगा, कोई है नहीं मेरे पास उनके अलावा, और मैं शहर के सबसे बड़े लॉ फर्म का मालिक हूँ। सबसे पहले लीगली इस हॉस्पिटल को बंद कराऊंगा, उसके बाद पर्सनली आके आग लगा दूंगा, चला के राख कर दूंगा, सब खत्म कर दूंगा। मिस्टर हुडा, प्लीज काम डाउन, कंट्रोल योरसेल्फ। हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है और हम उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आई प्रॉमिस। प्रॉमिस मत करिए, अपना काम करिए। चलिए चल के माँ को ढूंढिए। कौन भाग्या? वो जो आई थी ना एक वीआईपी वार्ड में, मेंटल केस, अंजना हुड्डा। अच्छा वो हर्षवर्धन हुड्डा की वाइफ, जिसका पति मर गया है एंड वो पागल हो गई है। उसको तो प्रॉपर पागल खाने भेजना चाहिए था। पता है सुबह उसकी एंट्री होते ही ना उसने मालती को काट लिया, फिर सरोजनी उसको लंच कराने गई थी, उसके ऊपर गरम दाल फेंक दी। यार पर वो आई तो व्हील पे थी, भाग कैसे गई? पागलों का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या करने की ताकत आ जाए उनमें। आप नई आई हो इंटर्नशिप वाले स्टाफ में? ओके, ये आपका बैच है और ये पेशेंट की फाइल। नाइट शिफ्ट है तुम्हारा डॉक्टर खन्ना के साथ। सुनो, मुझे लगता है बाहर कुछ चल रहा है, चलो चल के देखते हैं। गायत्री तू मदद कर देना उनकी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी मौत के कुएं में, तू क्यों नहीं जाती है? माँ, डॉक्टर साहब आपने मेरी माँ को देखा है, व्हीलचेयर में थी सुबह। सर 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 सर, वो पेशेंट जो मॉर्निंग में आई थी, इनकी माताजी, सर वो रोड के बीच में है व्हीलचेयर पे, एक्सीडेंट हो जाएगा सर। सर जल्दी कीजिए ना, जल्दी कीजिए। कोई लेकर जाओ मुझे, कोई लेकर जाओ मुझे। आपने बहुत अच्छा काम किया। चलिए मैम अंदर चलिए। नहीं, मुझे हाथ मत लगाओ। सुनो, तुम मुझे यहाँ से लेकर चलो। इन लोग के साथ मुझे नहीं रहना है, ये लोग बहुत बुरे हैं। मुझे यहाँ से लेकर चलो, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चलो ना, प्लीज। तुम लोग हाथ मत लगाओ मुझे। तुम ही नहीं इंटर्न हो ना, डॉक्टर खन्ना तुम्हें बुला रहे हैं। पता है
समझता, एक लड़की ने मुझे बचाया। बहुत प्यारी सी लड़की थी, ऐसा लग रहा था कि मैं उसे पहले से जानती हूँ। तुझे पता है, अगर आज वो नहीं आता ना तो पता नहीं क्या हो जाता। नहीं माँ, आपको कभी कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगा। अब अंदर चलें। थैंक यू सो मच। प्लीज सुनो, जिस लड़की ने माँ की जान बचाई है उसके बारे में पता करके बताओ, मुझे उससे मिलना है। ओके सर। रहने दें, बत्ती ना बंद करें। देखिए, हम जानते हैं कि आपका बच्चों के बगैर जी नहीं लग रहा, मगर नूर तो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। आप इसी बात की तसल्ली कर लीजिए। जोया से बात हुई? नहीं तो। कमाल करती हैं आप पे रोशना, यूं तो दिन में दो बार बातें हुआ करती थी आपकी उनसे, और दो दिन में एक बार भी नहीं। वसीम, जोया ने कहा तो था कि वो अपने काम में मसरूफ है, और ये तो अच्छी बात है ना कि वो काम में मसरूफ है। आप तो जानते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अच्छा है बच्चियां मसरूफ रहे, लेकिन उस मनहूस शहर मुंबई में मसरूफ ना रहे, क्योंकि वहां की मसरूफियत उनके लिए मनहूसियत होती है। जोया मुंबई कहाँ जा रही है आप देख लीजिएगा, उसकी प्लेसमेंट और उसकी इंटर्नशिप किसी और शहर में हो। हमारी जोया समझदार है, वो मुंबई वापस नहीं जाएगी इंशाल्लाह। अरे ये देखिए, नूर का फोन आ गया, मैं स्पीकर पे लगाती हूँ। हाँ नूर बेटा, तुम ठीक से पहुंच गई? हाँ अम्मी, हम सही सलामत से पहुंच गए। नूर कैसी है बेटा, खैरियत? हाँ अब हम खैरियत से हैं, आप बस अपना ख्याल करिए। अच्छा नूर, तुमने खाना खाया बेटा? नहीं अम्मी, हम आपके याद दिलाने का इंतजार कर रहे थे। अम्मी आप कैसी बातें करती हैं? चलिए अब बहुत देर हो गई है, आप सो जाइए। हम भी सोने जा रहे हैं, कल सुबह ओरिएंटेशन है ना, हम आपको कल सुबह फोन करेंगे। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अम्मी। अपना ओरिएंटेशन अच्छे से करना। लो नूर से बात हो गई, तसल्ली भी हो गई, हमारी नूर पहुंच गई। बस अल्लाह करे कि हमारी दोनों बेटियां इसी तरह खुशी खुशी जिंदगी बिताएं, और उन पे कभी भी उन दोनों मनहूसों का साया ना पड़े। जोया बेटा क्या हुआ तुम्हें? जोया रोशना का मुंबई छोड़ रहे हैं, कली सामान बांध लें आप। कुछ नहीं खाया बेटा। जोया, जोया दरवाजा खोलो बेटा। तुमने इसके साथ डील की थी मुझे बचाने की, एक रात बिताने की, हाँ तुमने जो किया है उसके बाद मैं तो तुम्हें देखूं कैसे? मतलब तुमने अपने जिस्म का इस्तेमाल किया है, तुमने मुझे धोखा दिया है। सब कहते हैं कि आदित्य तुम्हारा पीता हुआ कल है, और कभी तुमने भी मुझे नहीं बताया कि हुआ क्या था तुम दोनों के बीच।
जो इस तरह रिश्ता टूट गया, हमें तो तुम दोनों को देखकर लगता था कि सच्चा प्यार तो बस तुम दोनों के ही बीच है, लेकिन इतनी आसानी से कैसे खत्म हो गया? फिर हम जानते हैं कि तुम हिम्मत दिखा रही हो सोया, और ये दुआ भी करते हैं कि इस दर्द से लड़ने की हिम्मत बनी रहे, लेकिन डर बना रहता है हम में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अभी भी लगता है कि बेटा तुम आदित्य को भूल ही नहीं पाई हो, और कहीं वो भी नहीं भूल पाया होगा। काश हम जानते कि क्या हुआ है तुम दोनों के बीच, सब कुछ ठीक करने के लिए। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। I'm so sorry, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रुकूंगा। मिस्टर हुडा, आप घर जाइए और रिलैक्स कीजिए। जो गलती हो गई वो दोबारा नहीं होगी। आपकी माँ के लिए हम एक अच्छी सी नर्स ढूंढ कर रखेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, मैं यहीं ठीक हूँ। वैसे भी घर में कोई है नहीं, जहां माँ वही मेरा घर। और सोने के लिए ना इस तरह की नींद की जरूरत होती। मैं यहीं रुकूंगा माँ के पास। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। एक्सक्यूज मी, मुझे बचाया। ऐसा लग रहा था कि मैं उसे पहले से जानती हूं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, वेलकम। आई होप यहाँ पे काम करने का एक्सपीरियंस आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। हम यहाँ सोशल वर्क करते हैं,
उन लोगों को रिहैबिलिट करके जिनको जिंदगी में किसी मजबूरी की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा हो, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर या टेररिज्म। ऐसे लोगों की मदद करने का एक्सपीरियंस आपकी लाइफ को पूरा बदल सकता है। आज हमारे साथ एक जाने माने लॉयर है जो आपको रिफ्यूजीज की पॉलिटिकल एंड लीगल स्टैंडिंग के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज वेलकम मिस्टर अर्जुन हुडा। Morning, Mr. Dinesh. Good morning. Thank you for the introduction. आदि सर भी ना हमें लेक्चर दिया करते हैं काम के सीरियसनेस के बारे में, और आज इतनी इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग है और वो खुद ही नहीं आए अब तक। हार्टलेस हो तुम लोग यार, उनकी मॉम की तबीयत खराब है। आई होप मैं उनके लिए कुछ कर पाती। एक तो पर्सनल मैटर्स में किसी को इन्वॉल्व भी नहीं होने देते, नहीं तो मैं उनके मॉम के साथ ही रुक जाती। ओहो क्या बात है, कभी तूने अपनी मॉम की इतनी फिक्र करी है जितनी तुझे आदि सर की मॉम की हो रही है। देखो गाइज, तुम्हें जितना हंसना है हंस लो, लेकिन प्लीज आज के बाद आदि सर के बारे में कुछ मत बोलना, एटलीस्ट मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। अब जाओ काम करो। ये सबके सब इडियट्स हैं, हर वक्त मजाक करते रहते हैं। खुद तो कभी प्यार किया नहीं तो हमारा क्या समझेंगे। वैसे तो अभी तक आप भी कहां समझ पाए हो ये प्यार, बट इट्स ओके। आई नो इस हॉट फिजिक एंग्री यंग मैन के अंदर एक दिल तो है जो बहुत नाजुक सा है और बीट करना चाहता है किसी के लिए, एंड आई गारंटी मेरे लिए जरूर बीट करेगा। मैं आपको फिर से जीना सिखाऊंगी विथ माई लव। सॉरी फॉर यस्टरडे मिस्टर हुडा, अब ऐसी दोबारा गलती नहीं होगी। अब आप अपने काम में आराम से फोकस कीजिए और आपकी माँ के लिए हम एक अच्छी सी नर्स ढूंढ कर रखेंगे। हुडा साहब, आई एम आल्सो रियली सॉरी। वो ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गए। क्या है ना, जब बात माँ की आती है ना तो मेरा पेशेंस लेवल जीरो हो जाता है। इनके अलावा कोई है नहीं ना, अगर ये नहीं रही तो पता नहीं क्या होगा मेरा। जी बिल्कुल, और आगे मैं आपको शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगा, और आपकी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए आपकी माँ के लिए हम एक परफेक्ट नर्स ढूंढ कर रखेंगे। थैंक यू जी। माँ मैं ऑफिस जाके आता हूँ, आपको कुछ नहीं होने दूंगा मैं। हुडा सर,
क्या हुआ, कुछ पता चला उसका? जी सर, न्यू जॉइनिंग है, फिजियोथेरेपी इंटर्न। कल फर्स्ट डे था, मतलब नाइट शिफ्ट थी उसकी, पहली बार ड्यूटी पर। चलो उससे मिल लेते हैं। सर सॉरी, अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उनकी ड्यूटी खत्म हो गई। एक काम करना, उससे कहना कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आई वांट टू थैंक हर। सुनो एक काम करो, ये पैसे उसे दे देना, उससे कहना कि उसका एहसान है मुझ पर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। हाँ मिली। हेलो सर, वो क्लाइंट सबका वेट कर रहे हैं मीटिंग के लिए। हाँ तो उन्हें कहो कि वेट करें, माँ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्लाइंट। अगर नाश्ता करवा दिया तो ब्रंच करवाओ, कुछ चाहिए होगा तो हैंडल कर लो प्लीज। श्योर सर, आई विल हैंडल। आप बस आंटी का, आई मीन अपनी मॉम का अच्छे से ख्याल रखो। और आपने बिल्कुल सही कहा, माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता लाइफ में। होप शी गेट्स वेल सून। थैंक्स, बाय बाय सर। यूजुअली तो आदि सर लेट होते नहीं हैं, और होने भी वाले हों तो फोन करके बता देते हैं स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के साथ कितनी देर क्या करना है। पता नहीं कहाँ रह गए, फोन भी पिक नहीं कर रहे हैं। तू एक काम कर, तू ट्राई करती रहे, मैं तब तक अंदर जाके संभालती हूँ, देखती हूँ कुणाल सर कहाँ है। ठीक है। नहीं देगी क्योंकि आप राम नहीं है। हमारे बीच जो कुछ भी था सब खत्म। सोया, ये सोया नहीं हो सकती, लेकिन अगर सोया हुई तो क्या फर्क पड़ता है। प्लीज आदि सर, इस तरह टेंशन मत दीजिए, फोन उठाइए मेरा, बस एक बार कह दीजिए दैट यू आर ओके।
बाहर निकल। सॉरी सॉरी, मैं पहली बार गाड़ी चला रहा है क्या? हैं हैं, ये तेरी गर्लफ्रेंड भाग गई किसी के साथ? चल बाहर निकल। अरे बाहर निकल तू, चल 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 चल। हाथ हटाओ। अरे सुनता नहीं क्या तेरे को? एक बार मैंने कहा हाथ हटाओ। हाथ हटाओ हैं? तेरी बीवी को टच कर रहा हूं क्या? अंदर डाल। चले चल चल अंदर। Log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.